अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये ऊन से बचे हुए से, थोड़े थोड़े ऊन बचे हुए हैं उसका मैं बनाने जा रही हूँ पैरदान। अब इसको देखो ऐसे बांध देंगे, ऐसे धागा लेकिन बांध देंगे, फिर ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे बांध देंगे, इससे लट्टू अच्छा बन जाता है। अब ऐसे सारा बांध के मैं दिखा रही हूँ, बांध दी। अब इसको हम बीचों बीच से कटिंग कर देंगे, कटिंग करके अब इसको जो भी मेरा वैसा है ज़्यादा बड़ा हुआ इसको कटिंग कर देंगे, कटिंग करके निकाल दिया। सारा मैं ऐसे ही बना के आप लोग को दिखाऊंगी। इतना भी ऊन है थोड़ा बहुत, मैं सब बना के देखो रेडी कर ली हूँ। मेरा लड्डू बन के तैयार हो, कितना प्यारा कितना सुंदर बन के मेरा तैयार हो गया। अब एक लेंगे हम चावल आटे की बोरी, इसको मैं राउंड शेप में कटिंग कर ली हूँ, लेकिन मैं और थोड़ा सा कटिंग करूँगी। बस ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे एक बार, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक बार फोल्ड करेंगे। अब यहाँ हम पेन से निशान लगाएंगे थोड़ा राउंड सेम थिंग। यहाँ से इंची टेप से मिला लेने हैं 7 इंच आ रहे हैं उसकी लंबाई दोनों तरफ को। अब इसको हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो गई, थोड़ा सा अब ऐसे कोने से सेक दूंगी, बस कटिंग हो गई। अब हम धागा सुई लेकिन ये धागा सुई से हम अब इसमें बीचों बीच से चालू करेंगे। ऐसे बहुत ईजी है इसको बनाना, एकदम आसानी से बन जाता है। बस ऐसे ऐसे एक दूसरे के बनाते रखते। मैं मल्टी कलर में बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़े ही थोड़ा सा बचा हुआ था, पहले तो बनाई थी तो बचा बचा है। बस देखिए इतना बन के रेडी हो गया। अब फिर मेरा जो है कि मेरा बन के डोरमेट तैयार हो गया। आप टेबल पे भी रख सकते हैं या डोरमेट भी यूज कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।